I like. you say something about this Right uh, now Now many interesting things around. Now we go to the top. Uh, this, uh, famous mountains. Yes. It's uh, it's good uh, road. Uh, call. लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर से नीचे कुछ विलेज नजर आ रहे असलम मेरा नाम है नसीर अहमद उम्मीद आप सब सरत से होंगे पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आप लोगों को पता होगा कि भाई क्या चल रहा है आज कल हमारे गांव में कहने का मकसद ये है कि यहां पर मेरा एक दोस्त आया हुआ है जॉन जो कि बिल्कुल मेरे पीछे आ रहा है हेलो जॉन और हम पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो लाजमी देख ले क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तो आप लोग को वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा फिलहाल हम अभी जा रहे अफ्तारी के लिए आज चौथा चौथा रोज़ा जा रहा है रोज़ा लगे इसलिए बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बहरहल हम जा रहे हैं ऊपर ये हमारा गांव है नीचे और ऊपर हम पहाड़ों की तरफ ये सारे मेरे दोस्त हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तलहा है इसका भी चैनल है मैं मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में तो साथ में सफान और फ़खर जमान और साथ में हमारा दोस्त जॉन हम जा रहे हैं इसको घुमाने के लिए लेके जा रहे हमारे गांव का जो माउंटेन है वहां पर ऊपर एक छोटा सा विलेज है तो वहां पर भी हमारे दोस्त हैं हम उन्हीं के पास जा रहे हैं और वो हमारे लिए अफ्तारी का कुछ बंदोबस्त करते हैं क्योंकि उन्होंने भी बोल के भाई आप आ जाओ और हम मेहमान से भी गपशप करना चाहते हैं तो अभी चलती सीधा और जो भी एक्टिविटी होती है इन वीडियो में तो आपको दिखाते वट डू से अबाउट माई विलेज जौन आई लाइक उट्रेक इंटरेस्टिंग uh, हम जहा थैंक हम जहाँ पे जा रहे उसका नाम है uh, बाइका आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन हमारे यहाँ पर जो uh, हमारे के पी के जो विलेजेस है उनके सारे के ऐसे नाम है लेकिन भाई हमारे उसे क्या लेना देना है आप लोग वीडियो देख लो और इन्जॉय करो बहरहाल हम चलते ही ऊपर और आपको दिखाते हैं कि भाई हम अफ्तारी कैसे करते एक आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ पर जॉन भाई जब से आया हुआ है तो भाई वो कुछ खाते नहीं है कल भी इन्होंने रोज़ा रखा था कि मतलब रोज़ा ही समझो भाई शेयरी की थी उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई नहीं मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ और मैं मतलब आप लोगों के साथ तभी खाना खाऊँगा जब आप लोग अफ्तारी के टाइम खाओगे अभी भी ये जब किसी को देखता है कि भाई कोई आ रहा है हम इसको मतलब ये बोलते हैं कि भाई मैं ऐसी जगह पे खाना खाना चाहता हूँ जहाँ पर कोई ना हो तो अभी जा रहे सीधा तो इसका मतलब सबसे अहम ख़ूबी इसके अंदर ये है कि भाई ये किसी के सामने कुछ खाते नहीं है बिल्कुल जब देखते हैं हाँ अलबत् यहाँ तक करते कि भाई ये बोलते कि भाई सारे लोग कुछ खाते नहीं है तो मैं भी नहीं खाना चाहता है रोज़ा सबको काफ़ी लगा हुआ है हालत से आपको अंदाज़ा होगा भाई कि अच्छी खासी प्यास लगी है बस क्या करें ये जो शौक़ होते हैं ना इनकी कोई कीमत नहीं होती क्योंकि भाई अगर आपके पास शौक़ है ना तो भाई इनकी मतलब आप इनके पीछे नहीं जाओगे कि भाई इनका कीमत क्या है बस घूमो फिरो ऐश करो छोटा सा चश्मा है और यहाँ पे वजू कर रहे लोग मैंने मैं ऑलरेडी मैं वज़ू में हूँ मैंने वज़ू किया हुआ है और बस हम नमाज पढ़ रहे जौन भाई भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग नमाज़ पढ़ रहे और मैंने नमाज पढ़ ली है और अब आप ये ना पूछें कि भाई आप ख़ुद नहीं पढ़ रहे हैं। और और की वीडियो बना रहे हैं अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने वीडियो नहीं बनाई जॉन भाई के साथ तो भाई मैं वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं खुद इंग्लिश में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ औरलहा माशा काफ़ी अच्छा बोल लेता है तो मैं बात करता हूँ लेकिन लिटल बिट ज़्यादा नहीं बाकी मैंने पहले भी आपको पता कि भाई मैं इंग्लिश में खुद इतना एक्सपर्ट नहीं इसलिए मैं ज़्यादा उससे मतलब बात नहीं कर सकता कैमरे के सामने तो भाई बिल्कुल ऐसे थोड़ा बहुत करता हूँ लेकिन कैमरे के सामने आ हूं जाता हूँ तो भाई भूल जाता हूँ सब कुछ तो भाई सॉरी फॉर देट भाई आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें हम तो निकले हुए ये हमारे गांव के अपने पहाड़ है लेकिन भाई आप हमारे गांव का जो नेचर है भाई वो आप देख सकते हो यहाँ पर लोग भाई आते ये यहाँ पर खाने भी पकाते और वगैरह लेकिन जहाँ भी जाए हम बदकिस्मती से भाई हमारे पाकिस्तानियों की ये आदत है कि भाई हम गंदगी हर जगह पे फैलाते बहरहल आप इसको इग्नोर करें और ये जो हमारे गांव का एक फ्रूट है इसको हम पश्तों में भगड़ा बोलते हैं जब ये हो जाते तो भाई इसका जो जायका है ना बहुत टेस्टी होता है और इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं नेचुरली जो कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना देखे के हों लेकिन यहाँ पर होते उसके साथ एक अंगूर होता है लेकिन उसका बिल्कुल इतना छोटा सा दाना होता है तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें है जो कि आप लोग नहीं जानते हम तो जानते हैं लेकिन हम डिफरेंट नाम उसको बोलते बहुत मुश्किल ट्रैक है क्योंकि हम जिस रास्ते पर आ रहे थे वो रस्तने छोड़ के ना किसी और साइड पर गए तभी बहर आलम जा रहे हैं माशाल्लाह भाई हम इसी बात से डर रहे थे कि भाई जॉन भाई हमारे साथ नहीं जा पाएंगे लेकिन हम हमसे आगे आगे जा रहे हैं उसके पीछे पीछे क्योंकि भाई उसने जो शूज़ पहने हुए हैं ना जो बूट कमाल के तो भाई इससे पता चल चलता कि भाई असली ट्रेवलर ये हम तो भाई ये भी बाकी समझदार हो आप ख़ुद अभी बिल्कुल टॉप पे आ गए और जहाँ पर हम पहुँच रहे थे विलेज बिल्कुल इसी पीछे वाले साइड पे लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर से नीचे कुछ विलेज नज़र आ रहे हैं ये हमारे गांव से थोड़ा सा आगे विलेज है इसका नाम है मेखबन और इसको बोलते हम पश्तों में टूटे देंगे भाई बहुत डिफरेंट नेम है लेकिन बहरहाल आप इससे गुजारा कर सकते हो और इसके अलावा हम अभी आगे जाएंगे ये आप कुछ भी देख सकते हैं कि भाई ये हमारे कुछ बड़े यहाँ पर आए हुए और जॉन भाई के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं इफ्तारी रेडी हो गई है बहुत सारे हमारे बड़े आए हुए यहाँ पर और ये हम अभी कर हैं ये है जॉन भाई और और अभी हमारी अफतारी चल रही है बस इन शह यहाँ पर खाना खा के फिर इनशाला आपसे मखालाफ होते हैं <laughs> <थे> <laughs> फाइनली जी हमारी अफ्तारी हो गई है और अभी हम वापसी आए हैं यहाँ पे क्योंकि जब रस्ते में हम आ रहे थे तो बहुत सारा अंधेरा था उसी वजह से हम वीडियो नहीं बना सके हमारी जो अफ्तारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत मेहमान नवाज थे जौन भाई जो थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए एनी वे हम खैर खरीत से पहुँच गए अभी तल्ला से पूछते तल्हा क्या कहना चाहोगे जो हम बैठा गए बायका विलेज और वहाँ पे हमने तारी की और जॉन भाई को हम ले गए तो मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे आपको कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा और तो भाई खुश हो गए या नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे तो जान भाई का मेरे साथ ये दूसरा दिन था लेकिन जैसे वो हम वहाँ बाइक से निकल गए तो उसने कुछ बोला कि तलाब ब्रो आई फील वेरी हैप्पी एट दिस एट दिस मोमेंट एट दिस मोमेंट मतलब अभी जो है मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, था कि मैं उसको इन्वाइट कर उसको मैं मैंने इन्वाइट किया अपने गाँव में और ये मेरे लिए खुशी के बाकी की बात थी और अभी आगे हम जहाँ खड़े हैं या आप अंदाज़ा थोड़ा सा लगा ले खैर थोड़ा सा थोड़ा सा लाइक दिस लाइक दिस बस इट्स ए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे हम क्या करने वाला है ये आप लोगों के लिए आप लोग करें करें कमेंट कि हम क्या करने वाले हैं जॉन भाई के साथ इनशाला तो बहुत जल्द हम अभी आपको बताना भी नहीं चाहते कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं और अभी क्या करना चाहेंगे भाई जॉन भाई के साथ इनशाला तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपना ख्याल नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़